नमस्कार दोस्तों, मैं सी अनु भाटिया हाजिर हूं आपके सामने इनकम टैक्स से रिलेटेड एक नया डिस्कशन लेकर के सर। और यह डिस्कशन जो मैं आज आपके साथ करने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन है जो कि सेक्शन 44 ED ऑफ इनकम टैक्स, जिसको कि हम शॉर्ट में प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन कहते हैं सर, इस प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन पर मैं आज के डिस्कशन को केंद्रित रखूंगा। तो सर, अब मैं आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूं कि सेक्शन 44 ED है क्या सर, और मैं इस डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं सर पहले पॉइंट से। क्या ये सेक्शन टैक्स की रेट देता है? बिल्कुल नहीं सर, ये सेक्शन कतई टैक्स की रेट नहीं दे रहा। हाँ, ये इनकम कैलकुलेशन की रेट दे रहा है कि आपकी आय की गणना कैसे की जाएगी आपके बिजनेस से। तो सर, यहां पर एक प्रश्न आता है, सेक्शन 44 ED में आय की गणना का प्रतिशत क्या है? सर, यहां पर 2% गवर्नमेंट यूज करती है। 2% का मतलब है, दो सेपरेट परसेंटेज की बात कर रहा हूं सर मैं। गवर्नमेंट ये कहती है, यदि आप बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर हैं, मैं इसको और टेक्निकली बोलूं सर, एलिजिबल बिजनेसमैन है, एलिजिबल बिजनेस करते हैं आप, एलिजिबल एसएससी हैं, तो आपके व्यापार में जो इनकम कैलकुलेट करनी है, बिजनेस से जो इनकम हुई है, हम उसको 2% से मिनिमम कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि आपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के थ्रू कोई भी सेल करी है, टर्नओवर किया है, ग्रॉस रिसीट किया है, तो सर हम आपको 6% का मिनिमम प्रॉफिट मानेंगे। और यदि आपने जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किए हो बैंकिंग चैनल के अलावा, यानी कैश किए हैं, तो हम मिनिमम आपकी 8% की कैलकुलेशन मानेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा सर, गवर्नमेंट ने जो ये रेट दी है 8% 6%, ये मिनिमम रेट है। यानी आप यदि इससे ज्यादा प्रॉफिट बताना चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मिनिमम 8% नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर और बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर मिनिमम 6% की कैलकुलेशन मान के चलती है। मैं इसे एक उदाहरण से आपके सामने रखता हूं सर। मान लीजिए एक व्यक्ति को टोटल 40 लाख रुपए का टर्नओवर है, जिसमें 30 लाख रुपए का टर्नओवर सर उसका नकद का है और 10 लाख रुपए का टर्नओवर थ्रू बैंकिंग चैनल है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि 30 लाख रुपए के टर्नओवर पर आप 8% बता दीजिए, यानी 2,40,000, और बाकी के 10 लाख पर आप 6% टर्नओवर बता दीजिए, यानी 60,000। तो सर, 2,40,000 प्लस 60,000, इस व्यक्ति की टोटल बिजनेस इनकम कितनी हुई? 3 लाख रुपए। दैट इज हाउ सिंपली दिस पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड्स। सो सर, यदि मैं ये बोलूं इन नटशेल, इन समरी, इस सेक्शन का मुख्य लाभ या फायदा क्या है, तो सर इस सेक्शन का जो मुख्य लाभ है वो ये है कि ये स्ट्रेट अवे एक समराइज रेट से, एक स्ट्रेट अवे रेट से आपको टैक्सेशन दे रहा है, बिना किसी पर्टिकुलर केस में डेप्थ में गए कि अच्छा आपकी टोटल सेल बताइए, अब आपके खर्चे बताइए, खर्चे कैसे कैसे हुए, खर्चों के वाउचर्स लाइए। आपको कोई सपोर्टिंग देने की आवश्यकता नहीं है। आप 8% नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर, 6% बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर बता दीजिए, सरकार इससे ज्यादा पूछताछ आपसे नहीं करनी। तो यहां सर मैं एक अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ले रहा हूं, सेक्शन 44 ED ऐच्छिक है या अनिवार्य है? तो सर, ऐच्छिक के अनिवार्य से मेरा मतलब क्या है कि क्या मैं सेक्शन 44 ED में ऑप्शन से आऊंगा, मुझे क्लेम करना है 44 ED का बेनिफिट किसी ऑप्शन से, या बाय डिफॉल्ट मैं सेक्शन 44 ED में हूं? तो सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सेक्शन 44 ED ऐच्छिक नहीं है, ये सेक्शन अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब आप यदि 2 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस में टर्नओवर नहीं रखते तो आप बाय डिफॉल्ट सेक्शन 44 ED में हैं। हाँ, यह प्रश्न महत्वपूर्ण होगा कि मैं अब इस सेक्शन से बाहर जाना चाहता हूं। क्यों जाना चाहता हूं? क्योंकि मेरे 6% का मार्जिन भी नहीं है, 8% का भी मार्जिन नहीं है। तो उसका क्या उपाय होगा सर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आपको यह कह देता हूं कि बाय डिफॉल्ट यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है, तो असेसिंग ऑफिसर आपका मिनिमम प्रॉफिट नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन में 8% और बैंकिंग द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन में 6% मान करके चलने वाला है। अब एक और प्रश्न सर आपके सामने ले रहा हूं, सेक्शन 44 ED का लाभ किन करदाताओं को मिलता है? यानी कौन कौन से ऐसे एसएससीज हैं जो 44 ED का बेनिफिट, यानी इस सिंप्लीफाइड स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं? से फॉर एग्जाम्पल, यू मे बी अ कंपनी, यू मे बी अ पार्टनरशिप। तो मैं यहां उस प्रश्न का सरल सा आंसर देता हूं सर, केवल 3 करदाता हैं सर, 3 प्रकार के करदाता जो इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं, इंडिविजुअल यानी व्यष्टि, हिंदू अविभाजित परिवार, और तीसरा सर साझेदारी फर्म। इवन एक LLP भी सर सेक्शन 44 ED का बेनिफिट नहीं ले सकती। तो सर, कौन ले सकता है बेनिफिट? इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म,
कौन नहीं ले सकता? एलएलपी नहीं ले सकती, एओपीबीवाई नहीं ले सकती और कंपनी नहीं ले सकती। तो सर ये जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति एलिजिबल ही नहीं है इस सेक्शन में और वो ये सोचता है कि मेरी तो गणना 8% 6% से हो जाएगी, तो सर ये सेक्शन अल्टीमेटली उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। अब मैं अगला प्रश्न आपके सामने ला रहा हूं सर, सेक्शन 44ED किस प्रकार के व्यवसाय हेतु उपयुक्त है? तो मैंने सर इस सेक्शन का आंसर नीचे कुछ कैटेगरीज के रूप में दिया है। सभी प्रकार के व्यवसाय गुड्स कैरिज वाहन से आय के अलावा, यानी सर ऐसे सारे बिजनेस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं जो कि गुड्स कैरिज के काम से संबंधित नहीं है। ऐसा क्यों सर कि गुड्स कैरिज वाहन को यहां पर एक्सक्लूड किया जा रहा है? क्योंकि गुड्स कैरिज के संदर्भ में सर इनकम टैक्स एक्ट में एक सेपरेट सेक्शन है 44A, इसलिए ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स या करदाता जो गुड्स कैरिज का बिजनेस करते हैं उनके लिए सर 44AD की कैलकुलेशन नहीं है। और सर दूसरी कैटेगरी आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जिस व्यक्ति का कुल टर्नओवर टोटल सेल्स या ग्रॉस असेट 2 करोड़ से अधिक नहीं है, वो व्यक्ति भी सर इस पर्टिकुलर सेक्शन की कवरेज में एम्बिट में आता है। अब मैं आपको अलग अलग उदाहरण दे सकता हूं सर। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी व्यक्ति से जो कि एक पार्लर चलाता है सर, वहां पर जाता हूं और वहां पर मैं कटिंग के पर्पजेस से सर, या मैं थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलूं तो अपना हेयर स्टाइल बनवाने गया हूं और उस व्यक्ति ने हेयर स्टाइल बनाते बनाते मुझसे पूछा कि अच्छा सर आप क्या करते हैं? मैंने बोला साहब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। तो वो बोला अच्छा सर मैं रिटर्न विटर्न भरना चाहता हूँ, बताएं मेरी रिटर्न कैसे भरेगी? तो मैंने उसको बोला कि अच्छा आप ये बताओ आप टोटल सेल कितनी होती है? तो वो बोले कि साहब मैं टोटल से फॉर एग्जाम्पल साल में 20-30 लाख रुपए मेरे पास में टोटल आ जाते हैं इस पर्टिकुलर सलून से। तो अच्छा सर, अब क्योंकि 20-30 लाख रुपए उस सलून से आ रहे हैं तो मेरे दिमाग में सीधी कैलकुलेशन आई, सब 8% से मैं आपकी आय की गणना कर दूंगा। दिस इज सो सिंपल सर। यदि वो कहता है नहीं सर मैं पेटीएम से भी पैसे लेता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सर आप यदि पेटीएम से या ऐसे ही भीम ऐप किसी भी और ऐप पर्टिकुलर ऑनलाइन ऐप से भी पेमेंट ले रहे हैं तो उनसे आई रसीद पर तो मैं 6% कैलकुलेशन कर दूंगा, ठीक है, और बाकी का जो आपका कैश का कलेक्शन है उस पर मैं 8% कैलकुलेशन कर दूंगा। मान लीजिए वो असली कहता है कि नहीं साहब मेरे तो रियल प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, मैं इससे ज्यादा दिखाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा इनकम ऑफर करना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम सर, यू कैन ऑफर हायर इनकम ऑल्सो। यू गो वेयर एवर सर, से फॉर एग्जाम्पल आई गो टू अ मिठाई वाला स्वीट शॉप, ठीक है, वो इज अ टर्न ओवर ऑफ 1 करोड़ फॉर अ पर्टिकुलर ईयर एंड ही आस्क मी कैन आई क्लेम सेक्शन 44AD, माई आंसर टू हिम विल बी येस। Somebody who is dealing into kirana shop, can he claim the benefit of 44AD? Yes, he can claim benefit of 44AD. Say for example, एक व्यक्ति स्कूल में ऑटो चलाते हैं और वो ऑटो से सर उनको साल के 30-40 लाख रुपए का ग्रॉस रिसीट आता है। ही आस्क मी क्या भाटिया जी मैं 44AD क्लेम कर सकता हूँ? मेरा आंसर है हाँ सर, क्यों नहीं, हम 44AD क्लेम कर सकते हैं। तो आप मेरी बात का ध्यान रखें सर, दो प्रकार के व्यक्ति जो कि बिजनेस करते हैं, गुड्स कैरिज व्हीकल नहीं चलाते, गुड्स कैरिज व्हीकल के लिए क्योंकि एक सेपरेट सेक्शन है, और जिनका टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट या टोटल सेल 2 करोड़ से अधिक नहीं है सर, वो करदाता निश्चित रूप से इस सेक्शन 44AD का बेनिफिट ले सकता है। अब सर मैं आपके साथ अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहा हूं, सेक्शन 44AD का लाभ कब नहीं लिया जा सकता? मैंने सर यहां पर चार कैटेगरीज मेंशन करी हैं। नंबर 1, ऐसे करदाताओं के लिए जो सेक्शन 44A(a) में उल्लेखित पेशे से आय कमा रहे हैं। नाउ व्हाट इज सेक्शन 44AA प्रोफेशन सर? से फॉर एग्जांपल लीगल प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर, देन देयर मे बी एन आर्किटेक्ट, देयर मे बी सम पर्टिकुलर पर्सन हु इज वर्किंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेसेस, ये लोग सर सेक्शन 44AA में कवर्ड नहीं है क्योंकि उनके लिए एक सेपरेट सेक्शन है सर 44ADA, उनको मिनिमम 50% का प्रॉफिट बताना पड़ेगा। दूसरा, ऐसे करदाता जो कमीशन अथवा ब्रोकरेज से आय कमा रहे हैं सर, इस प्रकार के करदाता भी सर सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकते। तीसरा, ऐसे करदाता जो एजेंसी बिजनेस चलाते हैं सर, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कहीं फ्रेंचाइजी ले रखी है सर और वो फ्रेंचाइजी में मैं गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन सेल करता हूं सर, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे भी सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और चौथा सर, ऐसे एसएससी जो सेक्शन 10AA इनकम टैक्स एक्ट की या चैप्टर 6 से पार्ट सी में मेंशन आय कमा रहे हैं सर, ये जनरली सेज से रिलेटेड इनकम, सेज एक्टिविटी जिसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, या चैप्टर 6 से पार्ट सी ETIA IB ICID काइंड ऑफ डिडक्शन की बात करता है सर,
क्योंकि जनरली उन करदाताओं का स्तर भी सर काफी बड़ा होता है, तो इसलिए बड़े से मेरा मतलब है सर, क्यों वॉल्यूम बड़ा है इसलिए सर उनको इस पर्टिकुलर चैप्टर का बेनिफिट नहीं मिलता है। अब मैं सर कुछ अन्य प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं जो सेक्शन 44AD से रिलेटेड हैं, और ये भी आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, कंप्लीट पर्सपेक्टिव में इस सेक्शन को समझने में मदद करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, क्या सेक्शन 44AD का लाभ ले रहे करदाता को किताबें रखना जरूरी है? नो सर, अगर आप 44AD में बेनिफिट ले रहे हैं, यानी आप 44AD के हिसाब से 8% 6% या उससे ज्यादा जो आपको उपयुक्त लगता है ऐसा प्रॉफिट ऑफर कर रहे हैं, आपको बाय डिफॉल्ट किताबें नहीं रखनी। परंतु हाँ सर, ऐसी परिस्थिति में आपको सन्ड्री डेटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखनी पड़ेगी जो कि सरकार रिटर्न में भी मांगती है। अगला प्रश्न, सेक्शन 44AD का लाभ कितने वर्षों तक लिया जा सकता है? सर ऐसी कोई लिमिट लॉ में नहीं दे रखी कि आप 5 साल, 10 साल, 15 साल बेनिफिट ले सकते हैं। जब तक आप एक एलिजिबल एसएससी हैं, एलिजिबल बिजनेस कर रहे हैं, आप 44AD का बिजनेस का बेनिफिट ले सकते हैं। अगला प्रश्न, क्या सेक्शन 44AD में दिए गए प्रतिशत से कम लाभ दिखाए जा सकते हैं? सो सर थंब रूल तो ये है कि 8% या 6%, 8% नॉन बैंकिंग ट्रांजेक्शन और 6% बैंकिंग ट्रांजेक्शन बताना है। यदि आप इससे कम लाभ दिखाना चाहते हैं सर तो आप दिखा सकते हैं, परंतु आज की डेट में लॉ में बड़ा क्लियर आंसर नहीं है कि कैसे कम दिखाएंगे। तो मेरा इस पर बड़ा सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है सर, यदि आप 8% 6% के लेवल से कम जाना चाहते हैं तो आप किताबें रखिए और ऑडिट कराइए। ये थंब रूल आपके लिए काम करेगा, तभी सर आपसे 6% या 8% से कम का प्रॉफिट सरकार मानेगी, नहीं तो नहीं मानने वाली। क्या एक करदाता को एक से ज्यादा व्यवसाय 44AD में कवर हो सकते हैं? बिल्कुल सर, मेरी स्पष्ट राय है कि यदि मेरे एक से ज्यादा बिजनेस है और सारे एलिजिबल बिजनेस हैं और मैं एलिजिबल एसएससी हूं, तो मेरे को सर 44AD अपने ऐसे सारे बिजनेस के संदर्भ में मिल सकता है। कुछ और प्रश्न सर, सेक्शन 44AD एवं जीएसटी की मैपिंग कैसे होगी सर? फॉर एग्जाम्पल, जीएसटी में मेरी सेल आ रही है 65 लाख रुपीज, और मेरा फर्दर जीएसटी का टैक्स भी आ रहा है सर से फॉर एग्जाम्पल 2 लाख रुपए, तो मेरा टोटल टर्नओवर सर 65 लाख प्लस 2 यानी 67 लाख रुपीज माना जाए 44AD के पर्पजेस से, या 65 लाख रुपीज माना जाए? मेरी बड़ी स्पष्ट राय है सर, आपका जो टर्नओवर के ऊपर टैक्स लगा है, सेल्स के ऊपर जीएसटी जो लगा है, जीएसटी 44AD की कैलकुलेशन में नहीं जाएगा। आपका जो टर्नओवर विदाउट जीएसटी सर, वही आपका इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में जाना चाहिए। क्या 44AD में वर्णित स्तर से कम आय दिखाने पर ऑडिट आवश्यक है? मैं पहले भी सर आंसर दे चुका हूं। एक मजेदार बात आपको ध्यान रखनी है सर, सरकार ने कुछ उलझन में डाल रखा है, यहाँ ये कह रखा है यदि आप 44AD से बाहर जाते हैं, क्योंकि आप मार्जिन 6% 8% नहीं दिखा रहे, अगले 5 साल आपको री एंट्री करने पर प्रतिबंध है। यानी अगले 5 साल, जिस साल में मैं बाहर गया उससे अगले 5 साल मैं वापस 44AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। और एक प्रश्न सर, क्या सेक्शन 44AD में कैलकुलेटेड आय में से कोई कटौती क्लेम की जा सकती है? बिल्कुल नहीं सर, 44AD की जो इनकम कैलकुलेटेड है 6% 8% या जो आपने बताई वो फाइनल है। इसमें से पार्टनरशिप फॉर्म के केसेस में सर सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन का डिडक्शन नहीं मिल सकता। हाँ एक बात मैं कह सकता हूं सर, इस इनकम के अगेंस्ट में जो आप 44AD में एज अ बिजनेसमैन कैलकुलेट करेंगे, इस इनकम के अगेंस्ट में आपको चैप्टर 6A के डिडक्शन, जैसे 80C, 80D, 80DD, इस तरीके के डिडक्शन सर निश्चित रूप से इस आय के अगेंस्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। इस आय के अगेंस्ट में आप कोई लॉसेज हैं किसी दूसरे हेड में उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपके पास में मान लीजिए कोई लॉस है बिकॉज ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपने इंटरेस्ट पे किया हो, आप इस इनकम के अगेंस्ट में उसका डिडक्शन ले सकते हैं। तो सर अंत में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, और मुझे उम्मीद है सर कि ये पर्टिकुलर सेक्शन 44AD आपके लिए निश्चित रूप से एज अ बिजनेसमैन हेल्पफुल सिद्ध होगा। यदि आपकी 44AD से रिलेटेड कोई और क्वेरीज हो तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा जहां तक संभव हो उन पर्टिकुलर क्वेरीज पर आपको समाधान दूं। और सर इसी प्रकार से मुझे प्रोत्साहित करते रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं।